हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम यस लेट अस स्टार्ट टूडे क्लास एंड आवर क्लास इज यूपी बोर्ड बोर्ड इज यूपी यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड क्लास इज सिक्स एंड लेसन इज आल्सो सिक्स ओके लेसन नेम इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे भाई आजादी का पर्व मनाइए बहुत खुश नसीब है आप लोग किस बार पचहत्तरवा अमृत महोत्सव आजादी का मनाया गया और आप इसके गवाह बने तो आपके लेसन में क्या बताया गया है वट लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है अपने कंट्री अपने देश को जानिए नो योर कंट्री ये लेसन का मैसेज ओके टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री कल हमारे देश का टुमारो जानते आने वाले कल को आज को कहते हैं एंड बीते हुए कल को हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है कल रितेश मेकिंग ए नेशनल फ्लैग रितेश एक नेशनल फ्लैग बना रहा है यंगर सिस्टर रूम और उसी समय उसकी छोटी बहन यंगर माने छोटी और यल्डर माने बड़ी यंगर सिस्टर शुभी मतलब उसके रूम में एंटर करते प्रवेश करती है शुभ ही ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग भैया आप क्या बनाने में बिजी हो क्या कर रहे हो रितेश टुमारो इज फिफ्टीन अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग तुम्हें पता है कल 15 अगस्त है हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है फ्रीडम डे है और मैं नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा जिसको तिरंगा कहते हैं मैं बना रहा हूं शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट भैया क्या मुझे इसके बनाने में तुम्हारी मदद करनी चाहिए मदद करी करनी चाहिए मुझे शुड आई हेल्प रहते हो यस नॉट क्यों नहीं क्यों नहीं प्लीज कम आओ कृपया आओ वी विल मेक इट कृपयादर हम इसको साथ साथ बनाएंगे डू यू नो शुभी वाट डू द्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर अच्छा शुभी एक चीज तुम जानती हो कि नहीं हमारे नेशनल फ्लैग में जो थ्री कलर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है वो क्या दर्शाते हैं भैया मुझे तो नहीं पता I don't know. कभी भी बोलना कुछ नहीं पता है तो आप आई भैया आप मुझे बताएंगे बता सकते हैं फॉर व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी तो रितेश बताता है दो जो उसमें केसरिया लंग, रंग है केसरिया सैफ्रन वो बलिदान के दर्शाता है जो उसका व्हाइट है वो शांति को दर्शाता है और जो उसका हरा रंग है ना उस सम्पन्नता को दर्शाता है देयर इज इ ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप इसका जो व्हाइट स्ट्राइप है उसमें बेटा उसमें कह रहा है कि भैया एक एक ब्लू व्हील होता है नीले कल कलर का एक चक्र होता है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इसका क्या मतलब होता है रितेश इज इट द इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्राइप हैविंग ट्वेंटी फोर स्पोक्स तो रितेश कह रहा है कि ये व्हाइट स्ट्राइप के बीच में जो ब्लू कलर का चक्र है उसको अशोक चक्र कहते हैं इसमें 24 तिलियां होती हैं रिप्रेजेंट्स द 24 आवर्स द डे जो हमारे 24 घंटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं समय का प्रतीक है ये समय को टाइम को दर्शाता है यू डू विद द्लैग टू मारो भैया आप फ्लैग के साथ कल क्या करोगे परेड करेंगे। बच्चे परेड परेड निकालते हैं ना? नेशनल, आ, पर, पर स्कूल में निकाली जाती है द नेशनल फ्लैग विल बी हॉस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम और एक नेशनल फ्लैग को hoist फहराया जाएगा और हम लोग नेशनल एंथम गाएंगे राष्ट्रगान गाएंगे देश और झंडे के सम्मान में अपने देश की आजादी के पर्व पर शुभ व्हाट एस विल बी डन ऑन दिस डे और क्या क्या प्रोग्राम आप लोग करेंगे रितेश ऑन दिस वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम फाइटर्स यस ऑन दिस डे वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स रितेश कहता है कि इस दिन हम लोग ना अपने जो हीरोइक फाइटर्स हैं हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं फ्रीडम फाइटर्स जिनको कहा जाता है उनके हीरोइक डीड्स को याद करेंगे उनके बहादुरी पूर्ण कार्यों को याद करेंगे जिसकी बदौलत हमें ये आज़ादी हमें ये आज़ादी मिली ही है भाई फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ करके उन्हें भगाया यहां से और अपने देश को आज़ाद कराया उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है हिंदी में स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है तो कह रहे हम उनको याद करेंगे उनके कार्यों को सैल्यूट करेंगे गांधी जी सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह एंड मेनी अदर्स फॉर मेनी इयर्स टू मेक इंडिया फ्री कंट्री जानती हूं शुभी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स कौन है गांधी जी सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह और बहुत सारे लोग बहुत लंबी लिस्ट है इन ने सैकड़ों साल तक स्ट्रगल किया संघर्ष किया हमारे देश की आजादी के लिए तब हमारे देश को आजादी मिली फ्रीडम मिली इंडिपेंडेंस मिली आजादी ऐसे मुफ्त में नहीं आई है ब्रदर, प्रोग्राम सोभी पूछ रहे भैया ब्रदर आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भाग कर रहे हैं भाग ले रहे हैं कि नहीं आई विल डिलीवर ए स्पीच हाँ मैं भाग ले रहा हूं ना मैं कल भाषण दूंगा डिलीवर स्पीच का मतलब मैं भाषण दूंगा कौन कह रहा है भाई वी इज सेइंग सुभी सुभी एंड रितेश टेलिंग टू टेलिंग सुभी ये कन्वर्सेशन है बातचीत है इसे आप लोग अपने घर में अगर ब्रदर हो सिस्टर हो तो आपस में छोटे छोटे क्वेश्चन इंग्लिश में टॉक करिए ट्राई टू स्पीक इंग्लिश का मतलब है कि टॉकिंग होनी चाहिए टॉकिंग आपको टॉकिंग ही इज रीडिंग है तो रीडिंग स्पीकिंग और आपका राइटिंग ये सब अगर आपको आ जाता है तो ओनली देन आप परफेक्ट होंगे इंग्लिश में अदरवाइज इंग्लिश पढ़ने का कोई बहुत जब आप ये सब चीजें जो हमने बताया फोर लैंग्वेज स्किल्स आ जानी चाहिए तो ये होना चाहिए तो उसने कहा आई विल डिलीवर ए स्पीच रितेश शुभी वाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच अच्छा शुभी कह रहे भैया आप अपनी स्पीच में क्या कहने जा रहे हैं क्या बताने जा रहे हैं क्या बोलने जा रहे हैं what are you going to speak ritesh i have written not only about the importance of independence day but also about our duties towards our nation bahut acha ritesh ne kaha main ye batane nahi ja raha hu ki kitna important क्या महत्व तो है हमारे इंडिपेंडेंस डे का बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि हमारा हमारा अपना सबका अपने नेशन अपने राष्ट्र अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं देखिए ना राइट तो सब कोई जानते हैं अपने अधिकार तो सब कोई पहचानते हैं खूब जानते भी हैं उसके लिए डिमांड भी करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा राइट गया लेकिन ड्यूटी को लोग भूल जाते हैं जान बूझ करके ड्यूटी को ये, अपने नहीं करना चाहता है। ये तो कह रहा मैं अपने मैं अपने भाषण में मैंने इसको लिखा है कि मैं लोगों को उनकी ड्यूटीज बताऊंगा कि क्या होती ड्यूटीज फॉर ए नेशन अगर एक राष्ट्र है तो उसके प्रति आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं शुभ ही वॉट आर ड्यूटीज टूवर्ड्स हमारी ड्यूटीज़ राष्ट्र के प्रति क्या क्या हमारे कर्तव्य क्या क्या है देश के प्रति रितेश टू डू गुड फॉर द सोसाइटी एक ही लाइन में छोटी सी लाइन टू डू गुड फॉर द सोसाइटी पूरे समाज के लिए भलाई करना अच्छाई करना यही हमारी ड्यूटी है दिस इज अवर ड्यूटी शुभी हाउ कैन वी डू दैट हम ऐसा कैसे कर सकते हैं रितेश बाय हेल्पिंग अदर्स स प्लांटिंग ट्रीज रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन रितेश कह रहे हैं दूसरों की बाई हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करके मेंटेनिंग साफ सफाई बना करके, प्लांटिंग ट्रीज पेड़ लगा करके रेस्पेक्टिंग एल्डर्स बड़े बुजुर्गों की का सम्मान करके एंड सो ऑन इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमारी आपके यही ड्यूटीज हैं ट नेशन अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम अपने कर्तव्य को अपने देश के प्रति कर रहे हैं वी आर डूंगी वन मस्ट डू वंस बिट टू इंप्रूव वंस सराउंडिंग्स शुभी, शुभी कह रही इसका मतलब हर किसी को अपने आस पास सराउंडिंग्स अपने आस पास के वातावरण को सुधारने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना रितेश यस सु हाँ सुभी एकदम तुम समझ गए यस इफ वी ऑल डू ए लिटिल इट विल हेल्प आवर कंट्री अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास करें क्योंकि कितनी भी बड़ी यात्रा हो एक कदम बढ़ा के ही जीत शुरू होती है एक कदम से शुरू होती है और एक कदम से ही जाके जीत मिलती है कितना भी बड़ा कार्य हो बस एक स्टेप से स्टार्ट होता है उसके बाद उसको हम कर लेते हैं तो मतलब कह रहा है थोड़ा सा अगर हम लोग डू ए लिटिल थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं ये हमारे कंट्री को बहुत हेल्प करता है इट विल हेल्प ए लॉट टू आवर कंट्री शुभि टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ टू द पुअर चिल्ड्रेन शुभी कह रहे भैया मैं कल टुमारो मैं अपने सारे पुराने जो खिलौने हैं और कपड़े हैं मैं उनको गरीब बच्चों को दे दूंगी आई प्रॉमिस मेरा वादा है कि कल मैं ये कार्य करूंगी टेलिंग हर ब्रदर रितेश वेरी गुड सुभी दिस इज वन ऑफ द टू सर्व आवर कंट्री हां सुभी ने कहा बहुत अच्छा वेरी गुड सुभी ये भी एक तरीका दिस इज ऑल्सो ए वे ये भी एक तरीका है जिससे हम अपने देश की सर्व कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेस्ट टू सर्व आवर कंट्री हमारे देश की सेवा करने का यह भी एक तरीका है एंड हियर आवर लेशन एंड आपने इसको लेसन में क्या मैसेज मिला कि इस लेसन का सबसे बड़ा मैसेज है बेटा टू डू गुड फॉर सोसाइटी आप इस देश अपने देश को अपने इस मदरलैंड को अपने इस मदरलैंड को जिसको आप मातृभूमि कहते हो इससे लव करो इसको रेस्पेक्ट करो और इसको बहुत ऊपर ले जाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो डू योर बेस्ट टू अपलिफ्ट योर कंट्री टू द स्काई स्काई से भी ऊपर सोच रखो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की भावना होनी चाहिए ठीक तो ये मैसेज आपको देता है कि लव योर कंट्री अपने देश से प्रेम करो और अपने देश का रेस्पेक्ट करो जितनी भी हमारी नेशनल एम्बलेम हैं नेशनल सॉन्ग हैं नेशनल एंथम हैं नेशनल जितनी भी चीज़ हमारी राष्ट्रीय हैं उनका हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए और अगर हम अपने देश का ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम किसका रेस्पेक्ट करेंगे हम शायद किसी का भी नहीं कर सकते हैं तो इसी लेसन के साथ इसी गुड मैसेज के साथ कि आप अपने देश से इस लेसन को पढ़ने के बाद वैसे तो आप प्यार करते ही हैं लव करते हैं नो डाउट लेकिन खूब लव करिए देश के वास्ते डू एवरी योर वर्क फॉर द सेक ऑफ़ योर कंट्री आप अपने देश के बारे में सोचिए अफसोस है कि हम अपने देश के बारे में बहुत कम सोचते हैं हमें सोचना चाहिए वी शुड थिंक ए लॉट अबाउट आवर नेशन कंट्री और लवली मदर लैंड ठीक है लव योर दिस मदर लैंड इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं और आप इस लेसन को एंजॉय करिए वर्ड टू वर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड ओके तो अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट यू कैन डू थैंक यू थैंक यू वेरी मच